नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकर सक्सेस में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, ये हमारा चैनल बैंकर सक्सेस सिर्फ बैंक और एसएससी से रिलेटेड अपडेट के लिए है। अगर आप बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आप देख सकते हो इस पर सिर्फ बैंक और एसएससी से रिलेटेड ही वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं, और वो भी प्रॉपर और सही समय पर। आज अपने जिस वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो वैकेंसीज है जी राजस्थान की, यानी राजस्थान प्रदेश के सहकारी बैंकों में होगी 1000 पदों पर भर्ती। यानी जो राजस्थान के भूमि विकास बैंक पे की भर्ती है वो इस बार होने जा रही है, और इसकी जो परीक्षा की जो डेट है वो मार्च में संभावना है, लिखित परीक्षा होने की मार्च में पूरी पूरी संभावना है जी। और ये केवल लिखित परीक्षा होगी, साक्षात् कार नहीं होगा, यानी इंटरव्यू जो आपका है वो इस परीक्षा के अंदर नहीं होगा। अब अगर पूरी न्यूज़ को एनालाइज किया जाए तो इस बार की जो वैकेंसीज है, यानी पहले क्या होता था, सहकारी और भूमि विकास बैंक अपनी खुद की वैकेंसीज अपने खुद के रूल्स के हिसाब से मैनेज करते थे, पर इस बार क्या हुआ है कि जो भर्ती का जिम्मा दिया गया है वो IBPS को दिया गया है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन। IBPS एक ऐसी संस्था है, आपको पता ही है, RRB IBPS वगैरह के एग्ज़ाम करवाती है। RRB PU, RRB कलर्क, IBPS PU, IBPS SO, IBPS कलर्क। तो ये क्या करती है, 7 दिन से कम समय के अंदर अपना रिजल्ट निकाल देती है और एग्ज़ाम करवा लेती है 1 महीने में। और इसके अंदर साफ लिखा हुआ है इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, मई तक सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी, यानी जो ज्वाइनिंग है वो मई तक देने की संभावना है। यानी फरवरी के अंदर इसका अगर नोटिफिकेशन आएगा, यानी फॉर्म चालू भरने स्टार्ट होंगे, और मार्च के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, मार्च या अप्रैल के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और मई के अंदर जो फाइनल मेरिट की जो ज्वाइनिंग है वो आ जाएगी। तो ये 1000 पद है उन बेरोजगारों के लिए जो बेरोजगार है और जिनका सिलेक्शन RRB PU RRB कलर्क वगैरह में नहीं हुए, वो इस साइड आके अपना भविष्य आजमा सकते हैं। यानी लगभग सभी बैंकों ने वैकेंसीज दे दी है, बस दो तीन बैंकों को छोड़कर जिन्होंने खाली पद का ब्यौरा नहीं दिया। यानी कुल मिला के 1000 वैकेंसीज हुई है राजस्थान में, यानी दो तीन बैंकों ने अपने जो ब्यौरा है वो नहीं दिया। और ये जो परीक्षा है ये ऑफलाइन होगी, ये ऑफलाइन परीक्षा है, लिखित परीक्षा होगी, कोई इंटरव्यू नहीं है। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी, लिखित परीक्षा 100 नंबर की वस्तुनिष्ठ होगी और ऑफलाइन होगी, और ये इस पर होगी अपने OMR सीट पर परीक्षा होगी। और इसमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, हिंदी, अंग्रेजी और तर्कसंगति, यानी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और GA, ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। OMR शीट पर अपनी परीक्षा होगी। इससे मैं परिणाम, यानी IBPS करवा रही थी, उसके परिणाम जल्दी आने की, यानी एक पखवाड़े के अंदर IBPS अपना परिणाम घोषित कर देती है। और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई वो जोधपुर जोन के अतिरिक्त रजिस्ट्रार सोनलाल लखानी को दी गई है, और जो सोनलाल लखानी है उन्होंने यहाँ पे अपना पोस्ट किया है। भर्ती के लिए पूरी जिम्मेदारी कर ली गई है, शीघ्र आवेदन मांगे जाएंगे, केवल लिखित परीक्षा होगी, सख्त शर्त नहीं रखे जाएंगे। यानी जो भी बेरोजगार है जिनको बैंक में सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, वो इसमें अपना 1000 पदों के अंदर अपना भविष्य आजमा सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और नई अपडेट आई तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और जो भी फ्रेंड्स वैकेंसीज बैंक की तैयारियां कर रहे हैं, वैकेंसीज की इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए उन तक, ताकि उनको भी पता चल सके कि राजस्थान के अंदर वैकेंसीज आ चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।